कुमार शर्मा के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविरों की बाढ़ सी आई हुई है आप, और ये देख रहे हैं कि शायद ये पहला मौका राजस्थान में भी होगा कि इतने ब्लड कैंप एक साथ में लगे। देखो, उनके जन्मदिवस को एक प्रकार से लगभग मेरे को लग रहा है कि 14 नवंबर से 14 नवंबर तक ही मनाते हैं, क्योंकि जो है काफ़ी प्रोग्राम जो है उनके जन्मदिन पे, चाहे रक्तदान शिविर का प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी सामाजिक जो कार्य हैं उनका, किसी भी प्रकार का कंबल वितरित हो, चाहे पतंगों का वितरण हो, चाहे आमजन के लिए कोई भी ऐसा काम जो आमजन को सीधा जो एक प्रकार से सहायता करें और ज़रूरतमंद व्यक्ति की जो है कहें कि मदद करने वाला काम डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी ने और पूरी टीम ने हमेशा एक ही चीज़ सीखी है कि जो भी व्यक्ति ज़रूरतमंद है उनकी कैसे भी करके मदद करें। और नवलगढ़ झुंझुनू ज़िला तो इसमें अग्रणी है। मैं सभी रक्तदाताओं का, सभी आयोजककर्ताओं का डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी की तरफ से, मेरी तरफ से और प्रधान जी की तरफ से, तमाम जो यहाँ परिवार के जो लोग खड़े हैं इन सब की तरफ से बाबा राम साहब पीर की इस धरती पर मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इनका रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा एक नेक कार्य जो है इन लोगों ने किया है। इस बार ये भी देखने हैं कि जो नशा मुक्ति को लेकर दूध महोत्सव आयोजन किए जाते हैं वो भी काफ़ी संख्या में हुए हैं, तो इस बारे में क्या क्या दूध महोत्सव के प्रोग्राम राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वार से शुरू किया हुआ प्रोग्राम है राजकुमार शर्मा जी का, और उसके बाद में वो प्रोग्राम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नवलगढ़, फिर पूरे ज़िले में, फिर शेखावटी अंचल में, फिर पूरे राजस्थान में ये दूध महोत्सव का प्रोग्राम जो है कि नशा छोड़ें और दूध महोत्सव का प्रोग्राम 31 दिसंबर 31 तारीख को पूरे राजस्थान में पूरी टीम जो है एक अच्छा संदेश देने के लिए और एक अच्छा मैसेज देने के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम एक करवाती हैं। 45, 55 वार्ड हैं, उन 65 वार्डों के लिए कांग्रेस की एक रणनीति सामने आ रही है कि एक ही चेहरे, एक ही परिवार में एक ही लोग को और दूसरे वार्डों के लोगों को टिकट नहीं दी जाएगी। 45 नवलगढ़ में है और 25 जो है मुकटगढ़ में है, और हमारी जो रणनीति है, और रणनीति क्या कहूँ कि मैं वार्ड वालों की जो एक उनका कहना है, वार्ड का, वार्ड के तमाम जो मतदाता हैं, जो तमाम जो लोग हैं, कि वार्ड के लोगों को ही टिकट दिया जाए और प्रयास यही रहेगा कि वार्ड के लोगों को ही टिकट दिया जाएगा, जिससे कि वार्ड में आपस में सामंजस्य बना रहें और वार्ड का व्यक्ति यदि जीतेगा तो वार्ड की जो भी कमियाँ हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कमियाँ हालांकि नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नहीं बची हैं, लेकिन छोटे मोटे जो भी काम बचे हैं तो वार्ड का व्यक्ति भली भांति चीज़ को समझ सकता है। तो किस तरह बड़े चेहरे वंचित हो जाएंगे तो उनको फिर मान मार का ये संभावना बढ़ जाती है। देखो, ऐसे तो मैं भी पिछली बार MP का टिकट जयपुर से मांग रहा था, मुझे भी जब पार्टी ने कहा कि टिकट एक व्यक्ति को मिलता है तो मैंने भी फिर कंप्रोमाइज़ किया, टीम ने भी उस समय, टीम को भी काफ़ी एक प्रकार से निराशा से हुई, लेकिन पार्टी का जो आदेश था और जो सम्माननीय CM साहब का जो आदेश था और फिर राजकुमार शर्मा जी ने भी कहा, सभी कार्यकर्ताओं को एक समझाने का काम करके और फिर मैंने चुनाव नहीं लड़ा। तो ये तो एक जिस व्यक्ति को टिकट मिलेगा मैं तो उनसे यही निवेदन करूँगा कि वही व्यक्ति चुनाव लड़े, बाकी यदि कोई चुनाव लड़ते हैं तो वो उनकी इच्छा है, क्योंकि ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि नवलगढ़ में 45 के 45 वार्ड जो है अब की बार डॉक्टर राजकुमार शर्मा कांग्रेस जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वहाँ 25 के 25 वार्ड डॉक्टर राजकुमार शर्मा और मुकुंदगढ़ जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मुकुंदगढ़ में डॉक्टर राजकुमार शर्मा और दिनेश हुड्डा पिछली बार भी कमाल किया, इस बार दिनेश हुड्डा आपके साथ लगातार। देखो, कमाल कमाल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, कमाल जनता जनार्दन का है, जनता का जो आशीर्वाद है वो ही सबसे बड़ा कमाल है, और कमाल है बाबा राम साहब पीर के आशीर्वाद का, नवलगढ़ की जनता के आशीर्वाद का, जो डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी को इतना मजबूत किया कि वो जनता की सेवा के लिए लगे रहते हैं, और जनता की सेवा के कारण ही नवलगढ़ की जनता ने अभी हमारे नवनिर्वाचित प्रधान डॉक्टर दिनेश सुंडा जी को बनाया है, और उप प्रधान जो है हमारी बहन जो ललिता जी जोया,
उनको बनाया है, और इससे बड़ा जो आशीर्वाद है वो जनता का और बाबा राम साहब पीर का कुछ नहीं हो सकता। सामने वाली पार्टी की नज़र है, जब कांग्रेस की टिकट बंटवारे के बाद फुटबॉल की संभावना है उस पर नज़र है, उन चेहरों पर नज़र है, तो अभी उनकी रणनीति का पार्ट देखो, मैंने कहा ना कि लोकतंत्र है और सामने जो विपक्ष है, मैंने हमेशा एक ही लाइन, इस लाइन को मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ कि विपक्ष जो है वो चुनाव लड़ने से नहीं बनता है, विपक्ष बनता है काम करने से। काम कोई करा नहीं सकता, काम के लिए कोई इनको जानता नहीं है। जो भी यहाँ जो लोग घूमते हैं उनको नवलगढ़ की सीमा के बाहर, इधर डिगाल की सीमा के बाहर कोई नहीं जानता। तो इसलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कोई व्यक्ति नाराज होके, और जो राजकुमार शर्मा जी की जो टीम का है वो तो जाएगा नहीं, और जिन्होंने पहले से ही मन में कोई बना रखा है उनके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। तो दावेदारी की प्रक्रिया किस तरह से रहेगी कांग्रेस की? कल नवलगढ़ के लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी कल आ रहे हैं, और जो गोयनका गेस्ट हाउस है वहाँ पे तमाम जो टिकटार्थी हैं वो जनता जनार्दन को लेके वहाँ आएंगे। खुद मंत्री जी भी वार्डों में जाएंगे, वार्डवासियों को पूछ के ही टिकट का जो है वितरण किया जाएगा, टिकट दिया जाएगा। सरोकार से जो डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने जो मुहिम शुरू की है सामाजिक सरोकारों को लेकर, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप तो शुरू से साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि लगभग 25 साल से मैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी से जुड़ा हुआ हूँ, और जो सामाजिक सरोकार की बात आती है, चाहे उसमें ब्लड डोनेशन हो, दूध महोत्सव हो, कंबल वितरण हो, आपके पतंग वितरण हो, वृक्षारोपण हो, या अन्य कोई भी जिसमें प्रकृति को या समाज को कुछ दिया जा सकता है, भाई विकास के कार्य में तो हमेशा राजकुमार जी, चाहे वो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हों, चाहे आप नवलगढ़ से MLA रहे हों, या राज्य सरकार में चिकित्सा मंत्री रहे हों, जो जो जिम्मेदारी उनको मिली है उसको उन्होंने बखूबी बड़ी ईमानदारी से और सरलता के साथ और सजगता के साथ निभाया है, विकास के कार्यक्रमों में हमेशा एक नंबर पर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खूबी की बात आती है, क्योंकि उस व्यस्तम कार्यक्रम में से अपने आप को अलग निकाल कर पूरी टीम को एक सामाजिक सरोकार से, क्योंकि सामाजिक सरोकार से अगर टीम जुड़ती है तो निश्चित तौर पर वो टीम एक बहुत ही सभ्य समाज का निर्माण भी करती है। आज आप देख रहे हो कि ब्लड की समस्या से जो भी टीम का व्यक्ति है या जो अपने से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, राजस्थान नहीं दिल्ली तक भी उनको कहीं भी समस्या आती है तो बड़ी छाती चौड़ी करके कहता है कि ब्लड की समस्या के लिए हम किसी की जान नहीं जाने देंगे। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरीके की सामाजिक सरोकार में अगर पूरी टीम काम करती है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और पहले वो राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट से शुरू हुई, फिर वहाँ से जयपुर में फैली, फिर नवलगढ़ आई, नवलगढ़ से जिले में फैली, जिले से शेखावाटी में, और अब ये पूरी की पूरी टीम के जो सामाजिक सरोकार के कार्य हैं वो पूरे राजस्थान लेवल पे फैल चुके हैं। और मैं तो बाबा राम साहब पीर से यही आशा करता हूँ कि राजस्थान लेवल पे नहीं, पूरे हिंदुस्तान लेवल पे पूरी टीम के सानिध्य में, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के सानिध्य में, सामाजिक सरोकार के कार्य पूरे हिंदुस्तान का युवा वर्ग अपनाए और ज़्यादा से ज़्यादा एक सभ्य समाज की स्थापना करे। आप लोग बार बार एक चीज़ पूछ रहे हो कि टिकट के वितरण का वार्ड शेयर किस तरीके से क्या रहेगा, तो मैं एक बात बता दूं कि ये पूरे एक परिवार के सदस्य के रूप में पूरी टीम काम कर रही है, और जिस तरीके से राजपाल जी ने बताया कि पूरी टीम ने जयपुर लोकसभा के लिए तैयारी की और जी तोड़ मेहनत की, और जब पार्टी का आदेश हुआ और टिकट नहीं मिली तो पूरी टीम ने पार्टी के आदेश का आदर किया, उसी तरीके मैं भी एक कार्यकर्ता के होने के नाते आप सबको पता है कि झुंझुनू विधानसभा से 5 साल तैयारी की, लगातार दिन रात मेहनत की, लेकिन पार्टी का आदेश था और पार्टी ने कहा कि हम आपसे किसी भी रूप में बात करना चाहते हैं। मैंने कहा हमारे लिए पार्टी का हाईकमान हमारा विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी हैं, उनका जैसा आदेश रहेगा, हमने उनके आदेश की पालना की, सारे कार्यकर्ताओं से बैठ के निश्चय किया कि हमें पार्टी के खिलाफ नहीं जाना है, एक टीम के रूप में काम करना है, और हमने वो वहाँ से बैक हुए और पूरा काम किया, जिसका नतीजा है कार्यकर्ता के रूप में उस समय हो सकता है क्षणिक रूप से आपको लगे कि हम बैक हो रहे हैं तो कार्यकर्ताओं को पीड़ा होती है, लेकिन उसका राजनीति में हमेशा दूरगामी परिणाम मिलते हैं। उसी का परिणाम है कि आज अपन ने संयम रखा, धैर्य रखा, तो एक प्रधान के रूप में पूरी टीम का, 36 कौम की जनता का मुझे आशीर्वाद मिला, ये मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। और मैं मेरे कार्यकर्ताओं को यही मैसेज देना चाहूँगा, पूरी टीम के साथियों को कि आज
क्योंकि जो भी निर्णय मैंने देखा नज़दीक से, विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा स्वयं का निर्णय करते ही नहीं है, चाहे वो प्रधान का हो, चाहे चेयरमैन का हो, चाहे पार्षद की या पंचायत समिति या जिला परिषद की टिकट का हो, वो उस वार्ड और क्षेत्र के लोगों से पूछ के और अपने कार्यकर्ता के हित में डिसीजन लेते हैं। आज मेरे हित में झुंझुनू विधानसभा से डिसीजन लिया, जिसका आज फलस्वरूप मैं आपके बीच में किस तरीके से खड़ा हूँ आप देख रहे हो। तो आगे भी निर्णय निश्चित तौर पर मानिए, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी 36 कौम की जनता से विचार विमर्श करके डिस्कस करके करेंगे और उनका जो भी आदेश होगा हमें उनका आदेश मानना है। और एक कार्यकर्ता के रूप में अगर हमारे को टिकट मिलती है तो पूरे कार्यकर्ता हमारे साथ लड़ेंगे, और कोई कारणवश एक कार्यकर्ता को न मिलकर दूसरे कार्यकर्ता को मिलती है तो मेरा यही निवेदन है कि अपना आप उसी टीम भावना से विश्वास करते हो, क्योंकि वो भी टिकट अपनी है, अपनी पार्षद है। आज जैसे मैं आप लोगों के आशीर्वाद से प्रधान बना, तो कभी भी आप सबको ये नहीं लगता आप सब प्रधान बने हो? भाई सभी के सभी प्रधान हो तो ऐसे पार्षद भी अपना बनेगा। आपका भी झुंझुनू जाने का विचार है क्या 2023 में? देखो समय की बात, वो समय की बातें हैं। फिलहाल जो जिम्मेदारी मिली है उसको तो बखूबी निभाएं, लोगों की सेवा करें, वो तो धन्यवाद। दूसरे वार्ड के लोगों को नहीं देंगे तो किस तरीके से देखते हैं आप? ये तो हमारे विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी वो पूरी जनता की आवाज़ है, जो से जनता चाहेगी वैसे डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी और राज्यपाल जी सभी नवगठित जनता तय करेगी क्या करना है क्या नहीं करना। जो विधायक जी का आदेश होगा पूरी जनता को वो मान्य है। और ब्लड डोनेशन वाली बात ये है, मैं कह रहा हूँ आज छोटे बच्चे और बुज़ुर्गों को कानून में नहीं है ब्लड देना, नहीं तो मैं कह रहा हूँ 12 महीने ही यहाँ पर ब्लड डोनेशन लगे। डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के लिए पूरी जनता, छोटा से छोटा बच्चा और बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग, खून देने का देना तेरे लिए खून दे दूंगा, तो डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के लिए खून देने के लिए पूरी जनता तैयार रहती है।